नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। श्योपुर रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, चालक के खिलाफ मामला दर्ज। देहात थाना क्षेत्र के सोई कलां कस्बे के पास अवैध रूप से रेत का परिवहन कर रही ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने जब्त कर लिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी ट्रैक्टर चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करते हुए चालक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार उसे मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि सोई कलां कस्बे के पास ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से रेत का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुधीर हिन्नारिया मौके पर रवाना हो गए। यहां उन्हें रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली आती हुई दिखाई दी। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका और उससे रेत के परिवहन संबंधित दस्तावेज मांगे, जिसे ड्राइवर प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो उसने अपना नाम बुद्धि प्रकाश मीना निवासी पीपलदा थाना खंडार बताया। देहात थाना प्रभारी सुधीर हिन्नारिया ने शनिवार को बताया कि आरोपी के खिलाफ पुलिस ने खान खनिज अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट।